सावन की आज तीसरी सोमवारी है और बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूरा देवघर का जो माहौल है वह भक्ति में हो चुका है। अभी हम इस वक्त देवघर के बाबा मंदिर परिसर में स्थित है और आपको सीधी तस्वीर देवघर के बाबा मंदिर से दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो भीड़ का आलम है पूरा बाबा मंदिर कांवरियों से पट चुका है। ये सीधा तस्वीर निकास द्वार से है, जो निकास द्वार से कांवरिया है वो जलार्पण करने के बाद निकास द्वार से निकल रहे हैं, अपने साथ सुखद अनुभव भी लेकर निकल रहे हैं। और सुखद अनुभव हो भी क्यों ना, क्योंकि 105 किलोमीटर की नंगे पांव पैदल यात्रा करने के बाद उन्हें जलाभिषेक करने का मौका मिला है, क्योंकि आज सावन की तीसरी सोमवारी है और सोमवारी के दिन आम दिनों के तुलना में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। भीड़ का देख आलम ये है कि ये जो सामने की आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो बाह्य अर्घा की तस्वीर है। कई कांवरिया ऐसे हैं जो गर्भगृह में पहुंचकर जलार्पण नहीं कर पा रहे हैं, वो इस बाह्य अर्घा के माध्यम से जलार्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। बाह्य अर्घा में भी बहुत खासी भीड़ और दिक्कत का सामना कांवरियों को करना पड़ रहा है। हम कुछ कांवरियों से बात करते हैं कि कहां से आए हैं, आपने जलार्पण कर लिया? जलार्पण नहीं किए, डोंगा में डाल। कहां से आए हैं? कहां से आए? बेजडी से। जलार्पण कर लिया आपने? हो गया सर, बहुत अच्छा। कितने साल से आ रहे हैं? हम वही 2-3 साल से आ रहे हैं सर। आसनसोल से आए हैं। कैसा अनुभव रहा बाबा मंदिर में? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। जो यहाँ पर देवघर के बाबा मंदिर में जलाभिषेक करते हैं उनको काफ़ी सुखद अनुभव होता है। आमतौर पर सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में जलार्पण करने की जो देवघर के बाबा मंदिर परिसर में काफ़ी खासा भीड़ देखना पड़ता है, क्योंकि जो बाबा मंदिर परिसर है 12 ज्योतिर्लिंग से काफ़ी अलग है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वह किसी भी ज्योतिर्लिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस ज्योतिर्लिंग को कई नामों से भी पुकारा जाता है, चाहे आप इसे मनोकामना लिंग कह सकते हैं, बैजनाथ मंदिर कह सकते हैं या फिर बैद्यनाथ मंदिर कर सकते हैं। एक मान्यता ऐसा भी है कि जो देवों के वेद है अश्विनी कुमार, जब उन्हें काफ़ी शारीरिक कष्ट हुई तो साक्षात बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया और इनका पूजन किया और उनकी शारीरिक कष्ट मुक्ति मिल गई। इसलिए माना जाता है कि अगर सावन के महीने में आप देवघर के बाबा मंदिर में जलाभिषेक करते हैं तो आपके जो जीवन की सारे पाप हैं, कष्ट हैं, रोग हैं या फिर जो दुख हैं वो समाप्त हो जाती है। देवघर से परमजीत कुमार, लोकलिटी। आज श्रावण महीना का तीसरा सोमवारी और आज शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। 15 दिन उधर कृष्ण पक्ष चला, आज से फिर बाबा का 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा। जो बाबा बैद्यनाथ का विशेष कृपा ये 15 दिन में, अभी और आज तीसरा सोमवारी है, 2 सोमवारी और पड़ेगा। संयोग से बहुत दिनों के बाद श्रावण महीना में 5 सोमवार का जोगाजोग लगा है। इसमें भक्त लोग का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक यहाँ से 105 किलोमीटर उत्तरवाहिनी गंगाजल लेके आते हैं और बाबा को समर्पण करते हैं। मन में ये भाव लेके जो भक्त लोग आते हैं, अपना मन का कामना लेके बाबा बैद्यनाथ उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। ये हमारे बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तु कामना लिंगम सर्व काम फलप्रदम। जो भक्त लोग जो विशेष कामना लेके आते हैं उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करते हैं। यहाँ आज सोमवार का विशेष महत्व है और गंगा जल गवार शिरम बिल्व पत्र शिव प्रियम। बाबा बैद्यनाथ का गंगा जल, गाय का दूध और बिलपत्र यही उनका प्रिय चीज है चढ़ाने का। ऐसे और सामग्री जो चढ़ाते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, लेकिन ये 3 चीज इनको मिल जाए तो ये तृप्त हो जाते हैं। जय बाबा बैद्यनाथ।